अरे कितना दोपहर का खाना, उसके बाद बिस्तर पर लेटना और कुछ टीवी शो देखना, मैच देखना। और लेकिन आज देखिए टेनिस क्रिकेट का हंगामा ने ऐसे यहाँ पर साबित कर दिया है कि लोगों को यहाँ पर घर के खाने के बाद टेनिस क्रिकेट का मजा लेना ये सबसे बेहतर पसंद करते हैं। और ये मैच नो डाउट से एक तगड़ा मैच होगा। फिर से एक बार देखिए थाने रायगढ़ के जैसे मैच यहाँ को आपको देखने को मिलेगा। पहले देखिए पर ऑकलैंड टीम है, दूसरे राउंड का अगला मैच इंतजार करता हुआ। तो चलिए टोटल तो चलिए चलेंगे मुकाबला की तरफ। फिर से एक बार और ये चलिए बात करेंगे पहले ओवर की पहली गेंद से। थोड़ी सी लंबे समय के बाद दोपहर के खाने के बाद माइक्रोफोन के ऊपर चेंज होकर मॉड्यूल टीम बात करेंगे कि तगड़ी टीम है जिसके अंदर काफी ताकत है, जिसके अंदर काफी काबिलियत है, जिसके अंदर जीतने का जज्बा है और हार जिस टीम को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। लेकिन सामने वाली टीम बात करेंगे ना, ये भी उतनी तगड़ी टीम है। उस साल खुद टीम इस बार करेंगे बात करेंगे ना, इस साल बड़ी अच्छी लय में टीम है। मैं भी पूछी लाडो पे एक अच्छी कमेंटेटर उस इलाके की बात करेंगे, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। और बात करेंगे तो थाने विभाग से बात करेंगे दातुरी से। देखिए भाई वो हमारे खास मित्र इस मैच का मजा ले रहे हैं। उसके साथ साथ देखिए भैया टिकनो कंपनी पर किरण जी फड़के उलभ की बात करेंगे, वो भी इस मैच का मजा लेते हुए। और मैं पहले ही जिक्र कर दिया, चर्चा कर दिया मैंने, जब थानी डंबुली की बात आती है तो निश्चित रूप से हम मिश्यू ऋषि भाई इन्हें याद करते हैं। विश्वनाथ मस्कर साहब देखिए एक बड़े हस्ती सलाहकार रायगढ़ एसोसिएशन का, उनका भी हम जिक्र करते हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत है, शुभकामनाओं की तरफ से आता हुआ ओरल टीम। और उसके साथ साथ और ये चलिए टाइमिंग देखिए, इस साल ये टीम क्यों अच्छी लय में। और यहां से चलिए शुरुआत देखिए शंडी पालकर के अंदर, थैंक्स डीजे मास्टर, इथे मान्यवरांचं आगमन होत आहे। सन्मान्य नरेश पाटील माजी सरपंच वाकडी यांचं इथे आगमन झालेलं आहे, त्यांचं स्वागत आहे या स्टेजवर। ओ टू बाबूशा, चलिए संडी पालकर देखिए मूड में आ चुके हैं। संडी पालकर जी यहां पर ये चलिए भाई गैप ढूंढा, इसे कहते हैं मारता है कम भगाता है ज्यादा चार रन। धन्यवाद ऋषि। चलिए मंगेश फड़के जी देखिए इस बार मैच का मजा ले रहे हैं और सिंडी पालकर मैदान के ऊपर उतरे। इस बार थोड़ा सिंडी पालकर आपके अंदाज होना चाहिए, बड़ा मैच बिली बटन का अंदाज होना चाहिए, क्योंकि मैदान के अंदर देखिए सिंडी पालकर ऐसे अंपायर होते हैं तो मजा आ जाता है मैच का और मैदान के ऊपर। और एक देखिए अंपायर ऐसा है जिसे हम कहते हैं काला नाग गोटिया अंपायर, खतरनाक। ऐसा कोई शहर नहीं जहां उसने डस्ट नहीं मारा है। अभी कभी तो गुजरात में, कभी राजस्थान में, पिछले साल हमारे साथ नागपुर में काला नाक के जैसे क्या डस मारा, 14,000 बक्सीस। लेकिन रंग काला है लेकिन वफादार है भाई, उसकी काबिलियत देखिए। गोटिया अंपायर देखिए आज सबके दिलों में, आप उनके कितनी भी मजाक उड़ाइए वो अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा रखते हैं। कहते ना डाली कमजोर है, डाली कमजोर है ये पता है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए पक्षी है ना डाली से नहीं उड़ता है, वो जानता है उसके पंख के ऊपर भरोसा रखता है, डाली पर नहीं। और टीम का टोटल बात करेंगे ना यहाँ से 13 रन। देखिए टेनिस क्रिकेट का ऐसे अंपायर ने जिंदा रखे हैं, सैंडी पालकर जी लीजिए एक बिल्ली बटन के स्टाइल में गोटिया अंपायर लीजिए, माटिया अंपायर को भी हम देखते हैं। और जो गोटिया अंपायर की बात करेंगे ना, उनकी रंग उन्हें सूट करता है काफी तरह से, लोग कहते हैं तगड़े हैं। और टीम का टोटल देखिए बात करेंगे यहाँ से 13 रन। यहाँ पर ओसाली खुद टीम ने भी साबित कर दिया कि हम टक्कर देने के लिए तैयार हैं, बड़े अच्छे टीम है। बामन डुंगरी के मैदान के ऊपर कमाल का क्रिकेट खेलते गए हैं, टॉप 4 तक पहुंच गई थी ये टीम है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं क्या उसी तरह के प्रदर्शन का फिर से एक बार उम्मीद है, क्या उसके ऊपर खड़े उतर पाएंगे। ये मैदान भी बात करेंगे तो नजदीकी मैदान है, तो चलिए इसी बीच जो देखिए सुबह से मेरे हिसाब से देखिए कितनी बड़ी प्रेम है डंबोली विभाग के कमेंटेटर का नितिन कालन सब, देखिए चेंज तो के मोडोली टीम को भी शुभकामना भेजते हुए तहे दिल से उनका स्वागत है। और उसके साथ निशान जीजी वॉकलैंड टीम को शुभकामना देते हुए। और बात करेंगे ना मंगेश जी ऐसे नहीं,
डंबोली विभाग के कई सारे क्रिकेट के जो शौकीन है, जो समर्थक है, वो इस मैच को देख रहे होंगे। वो जानते हैं जब रायगढ़ पर जाकर उनकी टीम इतनी अच्छी प्रदर्शन करती है। जैसे देखिए ऑस्ट्रेलिया दौरा, जब हिंदुस्तान के हर देश प्रेमी उस मैच को देख रहे थे, तो उसी तरह की यहाँ पर ठाणे डंबोली विभाग के कई सारे पटकी हुई गेंद, काफी ताकत लगाने की कोशिश, वाइड का इजाफा। गेंदबाजी की बात करेंगे, ऋतिक पाटिल क्या कमाल के ये खिलाड़ी है, और ये खिलाड़ी जब से अच्छी बल्लेबाजी गेंदबाजी करना शुरू कर दिया और तब से ये चेंज होकर मॉडल टीम काफी ताकतवर टीम बन गई, क्योंकि पहले से हम विशाल कमले से इनकी बल्लेबाजी गेंदबाजी देखते आ रहे थे, लेकिन ऋतिक पाटिल ने जैसे यहाँ पर अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया पूरी तरह से खुद की टीम को भी और उसके साथ साथ सामने वाली टीम को भी। स्कोर देखिए वही रुका है 14 के घर के ऊपर है। क्या यहाँ पर बल्लेबाज रहेंगे, एक बड़ा सौदा, और ये चलिए इस बार गेंद तो ऊंचाई ली है, क्या लंबाई भी ले पाएगी, और इसी बीच देखिए लंबाई भी लेता हुआ आसमानी तूफानी सुल्तानी झलक 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 दिखला जा 6 रन। तो चलिए बात करेंगे 43 देखिए यहाँ पर छक्का इस टूर्नामेंट में, क्या बात है, कितनी अच्छी स्कोरिंग, कितनी अच्छी लाइव टेलीकास्ट देखिए, साइप्रिट लाइव अच्छी क्लियरिटी के साथ है, इसलिए तो इस बार सातवां आसमान तक। लेकिन सोसाली खुद टीम के देखिए बल्लेबाज है, इरादा थान लिया भाई, हम लड़ेंगे यहाँ पर टक्कर लेने के लिए तैयार है। नजदीकी फील्डर की बात करेंगे, शॉर्ट पॉइंट के लिए देखिए कवर रखा गया है, बाउंड्री लाइन पर देखिए लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और मीडियम गेट सीमा रेखा पर तैनात है रुपेश कमलेश। और बात करेंगे तो उनके पिताजी भी चंद्रकांत पाटिल सब अक्सर हरिचंद्र पाटिल सब अक्सर टूर्नामेंट में तशरीफ रखते हैं, आइए तो उनसे गुजारिश करते हैं आइए तशरीफ रखिए। और कहते हैं लाडले देखिए इस चलिए महागुरु सर ने बता दिए हरिचंद्र पाटिल सब देखिए ओडली गांव के सरपंच भी रह चुके हैं। और ये चलिए भाई क्लास देखिए यहाँ पर फाइटेड 6 रन। डरने वालों को मैं और डराऊं, कौन भाई का मैं तो डंका बजाऊं। धन्यवाद डीसी। तो चलिए यहाँ पर लगातार अच्छे बल्लेबाजी, तारीफ करना चाहूंगा बल्लेबाज का, देखिए 2 छक्के। यानी शहीदों के मुरली की बात करेंगे ना, इनकी ताकत होती है इनकी गेंदबाजी, और जब उनकी ताकत के ऊपर आप वार करते हो ना, फिर ये तो टीम थोड़ा सा घायल होगा। लेकिन शहीदों के मुरली की बात करेंगे ना मंगेश जी, ये टीम जब घायल होते हैं ना और खतरनाक हो जाते हैं, कहते हैं ना घायल शेर के सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती है, और इसलिए तो सार्थक ट्रॉफी में ये टीम फाइनल तक पहुंची थी। रिसाली खोल टीम देखिए इस टीम के साथ टक्कर देता हुआ, क्योंकि अपनी जिंदगी में कोई भी खिलाड़ी छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर खिलाड़ी अपने जिंदगी में हीरो रहता है, कुछ खिलाड़ी का पिक्चर रिलीज होता है और कुछ खिलाड़ी के पर्दे के पीछे। यही देखिए मैंने यही बात कहा था कि घायल शेर की सांस उसके दहाड़ से भी भयानक है, और देखिए जैसे यहां पर छक्के लगा और उसके साथ वापसी करते हुए एक धन्यवाद इथे बघा वडवली क्रिकेट संघाला सपोर्ट करण्यासाठी वडवली ग्राम पंचायतीचे विद्यमान सरपंच सन्माननीय आहे हरिचंद्र पाटील साहेब यांचा जरी ते आगमन झालेले असेल तर हरिचंद्र पाटील साहेब यावं आपण स्टेजवर आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे। चलिए देखिए रायगड का कमेंटेटर और बायोडाटा निकाल रहा है डोंबोली विभाग का, इसलिए तो कहा भाई इन्हें ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए। क्या कमाल की आउटस्टैंडिंग है एमडी सर महागुरु सर, और देखिए डीजे मास्टर ने भी यहाँ पर कुछ चुम्मा चुम्मा सॉन्ग लगाए। और मंगेश जी देखिए पहले चुम्मा मांगने के लिए कितना जोर चिल्लाना पड़ता है, आज तो एक मैसेज में। और यहाँ पर चलिए विकेट से क्या यहाँ पर गिरा, यहाँ पर दोनों बल्लेबाज के यहाँ पर देखिए व्हाट ही लैंग्वेज कोच बता रहा है यहाँ पर, अगर आवाज पहुंची होगी सैंडी पालकर देखते हैं उनके कानों की यहाँ पर आवाज है, इसका ये बड़ी इंटरव्यू है मेरे हिसाब से, एग्जाम है, देखते हैं क्या आवाज उनके कानों तक पहुंचा। तो चलिए थोड़ी सी निराश से और चलेंगे थोड़ा सा यहाँ पर रिप्ले की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर तीसरा अंपायर का कुछ सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है रिप्ले के माध्यम से थोड़ा
जो अंपायर के डिसीजन है वो तो रहेगा, लेकिन कोई कोई चीज है ना, लेकिन अंपायर ये चीज के लिए रिवो शायद आसान नहीं रहता है, टेक्नोलॉजी भी बात करेंगे, अल्ट्रा एज नहीं रहता है। तो चलिए यहाँ पर बाहर देखिए, गेंद भी फूट चुका है यहाँ पर पूरी तरह से। तो चलिए आप स्क्रीन पर देख सकते हो कितनी खूबसूरत है, साईप्रीत लाइव के माध्यम से इस ग्राउंड को दिखाया जा रहा है, खूबसूरत नजारा। और ये अच्छी टेक्नोलॉजी का देखिए, जिसका कारण से यहाँ पर देखिए गेंद वोटा क्या उसका आवाज था। और ये चलिए थोड़ा मुश्किल बनेगा, कितना तगड़ा मैच हो रहा है। इस गेंद को बात करेंगे ना, काफी पिटाई भी हुई है, 3 छक्का जहां लगा है। और टीम का स्कोर बात करेंगे ना, यहां से 27 रन बनाए। विकेट की बात करेंगे तो अभी तक हरीश मुंडे एकमात्र बल्लेबाज जिनका विकेट गिरा है। चलिए ऊपर की बात करेंगे तो यहाँ से आखिरी गेंद बचाए, कुछ नया गेंद ले गया है यहाँ पर से, लेकिन देखते हैं ये गेंद किसके लिए मुश्किल बनाएगा, किसके लिए आसान बनाएगा। और ये चलिए भाई, और एक कमाल का यहाँ पर छक्का, और एक गेंदबाज तो यहाँ से होंगे हक्का बक्का। धन्यवाद डीसी। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर राकेश भुईर, चलिए बात करेंगे गेंद देखिए जाकर सीधा फोर व्हीलर से जिसके ऊपर गेंद गिरा जाकर, इस तरह की नजारा देखने को मिलता है। और टीम का स्कोर बात करेंगे, छक्के की मदद से जाकर पहुंच गए देखिए 33 के घर के ऊपर। उस साली खुर जिनकी बात करेंगे ना, इनकी बल्लेबाजी भी ताकत है, इनके पास गेंदबाजी भी ताकत है, और अच्छी साझेदारी बनता हुआ। और इसी बीच देखिए बुलाए गए उस गेंदबाज कमलेश पाटिल जो पहला ओवर लेकर आए थे गेंद, और उनके हाथों पर फिर से एक बार गेंद। बात करेंगे जागृत 11 टीम में भी ये खिलाड़ी, ये बंदा देखने को मिलता है राहुल भाई, जिसे ब्राह्मण करोली के एक नेक दिल के इंसान है, जागृत 11 टीम उनके माध्यम से देखने को मिलता है। बड़े दोस्ती दिलचस्प इंसान है, और एकता बड़ा उनका अच्छा रहता है खिलाड़ी के ऊपर लीजिए। और ये चलिए बड़ा अच्छा गेंद यहाँ पर देखिए ब्लॉकल में आउटस्टंप के बाहर, वाइड यॉर्कर जिसे कहा जाता है। और ये देखिए डंबोली ग्रामीण में भी खेलने का अनुभव है, इनकी बात करेंगे तो कल देखिए नीलेश दादा, उनके मैं जिक्र कर रहा था, मोटा गांव नीलेश दादा क्या कमाल के बल्लेबाजी करते थे। तो चलिए मुकाबला थोड़ा सा रुकाइए मैदान के अंदर, देखिए चलिए कुछ बकरी कुछ मेंढा यहां से गुजरते हुए। तो चलिए भाई यहाँ पर चलेंगे मुकाबला की तरफ, कमलेश फिर से एक बार तैयार। और मैंने कल सापाटे के मैदान के ऊपर कहा था कि नीलेश मात्रे एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके लिए गेंदबाजी करना काफी मुश्किल होता है। यहां से देखिए, ये देखिए सैंडी पालकर के अंदाज, वाइड का इजाफा, वाइब्रेट अंपायर क्यों कहा जाता है उन्हें। हाँ नीलेश मात्रे की बात करेंगे ना, मोटा गांव के, उनकी बल्लेबाजी देखिए इतनी खतरनाक बल्लेबाजी, वरन कोरोना वायरस की वैक्सीन मिल गई लेकिन उनकी बल्लेबाजी की वैक्सीन नहीं मिल पा रही है,
कोई भी गेंदबाज के लिए उन्हें मुश्किल होता है। और ये चलिए बड़े हल्के हाथों से गेंद को खेला, जब तक गेंद वापस आता तब तक दोनों बल्लेबाज बड़ी आसानी के साथ एक रन लेते हुए सिंगल की मदद से टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया और 36-36 के घर के पर। कितना जैसे एक एक बूंद से समंदर बनता है, एक एक ईंट से इमारत बनती है, तो एक एक रनों से यहाँ पर टोटल को आगे बढ़ाते हुए। कितना वक्त चाहे कितना भी बुरा हो बीतता है जरूर, और खिलाड़ी चाहे जितना बड़ा हो गलती करता है जरूर, लेकिन शायद उस गलतियों का इंतजार कर रहे हैं यहाँ से गेंदबाज। और ये चलिए फुलटा जी और कर शायद उसका मौका लेना चाहिए था, इतना आसान काम नहीं रहता है। जहीर खान हिंदुस्तान टीम के लिए काफी अच्छी फुलटा जी और कर का काम करते थे 2011 वर्ल्ड कप में, देखिए कुल 22 विकेट उन्होंने लिए थे जहीर खान की बात करेंगे, और जो इंग्लैंड टीम के साथ जो मैच था और क्या वापसी दिलाए थे। स्कोर की बात करेंगे यहां पर देखिए स्कोर सिंगल की मदद से जाकर पहुंच गया 37-37 के घर के ऊपर, लेकिन अभी भी सुपर की बात करेंगे ना यहां से गेंदे बचाए। और ये चलिए इस बार टाइमिंग देखिए कितना अच्छा, लेकिन सीधा विकास के हाथों पर गेंद पहुंचता हुआ एलिवेशन नहीं दे पाए, जितना देना चाहिए था वो नहीं दे पाए, टाइमिंग के ऊपर भरोसा किया। और ये टेनिस गेंद में कहते हैं ना एलिवेशन बॉटम हैंड और ताकत, ये तीन चीज आपको लगाना पड़ता है। हम क्रिकेट खेलेंगे, ये हर किसी का सपना रहता है कि हम क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट का नशा भी एक ऐसा नशा है, ना जीने देता है ना मरने देता है, और इसका वैक्सीन भी मैदान के अंदर ही मिलता है। आप कोरोना वायरस का वैक्सीन ढूंढ सकते हो लेकिन क्रिकेट का नहीं, इसकी दवाई यही मिलेगी। कहते ना मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वही मिलेगा। मंगेश जी मुझे ले चलो कुपरील का मैदान, कुपरली के मैदान के पर देखिए खूबसूरत माहौल बनाया यहाँ पर, आउटफील्ड देखिए तेज शॉट पॉइंट तैनात था, लेकिन जब तक गेंद वापस आता तब तक दोनों बल्लेबाज बड़ी आसानी के साथ एक रन यहाँ पर लेते हुए सिंगल डबल से देखिए स्कोर को आगे बढ़ाते हुए साझेदारी टूटता हुआ यहाँ पर। कमलेश को देखिए इसलिए बुलाया गया था, ये एक अच्छी कप्तानी की तारीफ करना चाहूंगा, खुद कप्तान भी है टीम के लिए, देखिए काफी क्रिकेट खेल चुके हैं। जब खिलाड़ी ग्रामीण ओपन ये सब चीज खेल कर आता है ना, काफी घाट का पानी पीकर आता है, तो अनुभव तो उसके अंदर काफी कुछ समा जाता है। और ये चलिए गेंद को अपने पोलो थ्रो में रुकना चाहते थे, और कितनी अच्छी फील्डिंग देखिए, एफर्ट देखिए, लॉन्ग ऑन पर फील्डर शुभम देखिए फील्डर थे और बड़ी आसानी के साथ गेंद को रोके, लेकिन जब तक गेंद वापस पहुंचता तब तक दोनों बल्लेबाज ने बड़ी आसानी के साथ सिंगल ले लिए। और इसके साथ बात करेंगे तीन ओवर का खेल यहां से वह समाप्त, और तीन ओवर की समाप्ति के साथ साथ टीम का स्कोर बात करेंगे। जब पहला ओवर का खेल समाप्त होता 13 सेकेंड ओवर पर 20 रन आया था, तब 33 बना था, लेकिन फिर से एक बार तीसरा ओवर में देखिए अच्छी गेंदबाजी 6 रन खर्च किए और कुल स्कोर बात करेंगे 39 रन। धन्यवाद ढीशी। तो चलिए मैदान के अंदर देखिए ड्रिंक्स हैं और कमेंट्री बॉक्स पर देखिए कोल्ड ड्रिंक, और यहाँ पर देखिए फ्रूट के डिश भी यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स पर आपको देखने को मिलता हुआ। बहुत बड़ी टूर्नामेंट देखिए, काफी प्रेम इस टूर्नामेंट से मिलता हुआ, चाहे खिलाड़ी लीजिए, चाहे दर्शक लीजिए, चाहे कमेंटेटर लीजिए, ये श्रेय जाता है निश्चित रूप से रोशन दादा, मैं कहूंगा उसके साथ साथ पूरे जितने भी आम दर्शक में एमएलए ट्रॉफी कोप्रोली के जितने भी यहाँ पर देखिए युवा सब आयोजन करता हूँ और उनका तहे दिल से मैं तारीफ करना चाहूंगा। चलेंगे मुकाबला की तरफ, देखिए अंतिम यहाँ से बात करेंगे ना,
12 गेंद बचाए, आखिरी 12 गेंद के ऊपर यहाँ पर कितना रन जोड़ पाएंगे टीम के लिए फायदेमंद कितना साबित होगा। कहते हैं ना, कोशिश इतना करोगे तुम्हें हराने के लिए। देखते हैं यहां पर से गेंदबाज क्या करेंगे। मेहनत इतना करो कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करना पड़े। तो यहां पर देखते हैं क्या मेहनत दिखाते हुए गेंदबाजों ने, देखिए कमलेश की बात करेंगे, देखिए गेंदबाजी विषय में बात करेंगे। पहला ओवर में निड्रे पावर प्ले में 13 रन खर्च किए थे, जहां खाली हाथ घर वापस गए थे, और उसके बाद जब उन्हें फिर से बुलाया गया तीसरा ओवर पर, तभी देखिए 6 रन खर्च किए, एक बड़ा सफलता। तो स्ट्राइक पर बल्लेबाज अरुण भगत, देखिए अभी तक बात करेंगे सेठ बल्लेबाज हैं, सलामी बल्लेबाज हैं, लेकिन वो समय उन्हें आ चुका है कुछ कर दिखाने का, क्योंकि अरुण भगत यहाँ पर जब सेठ हो चुके हैं ना, कहते हैं ना असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। क्या यहाँ पर जिंदा नजर आना दिखा पाएंगे? गेंदबाज तैयार, और ये चलिए भाई हाथ से कैच छूटता हुआ, इन खिलाड़ियों से कैच इतना छूटता नहीं है, लेकिन टाइमिंग देखिए इतना अच्छा था। अरुण भगत बात करेंगे, अभी तक देखिए कोई खराब शॉट नहीं खेल रहे हैं भाई, हवा में गेंद था, जोखिम तो लेना होगा, कहते ना जोखिम तो वही लेता है जो बहादुर होता है। और यहाँ पर मैदान के ऊपर देखे उतरे हैं चौथे नंबर के ऊपर बल्लेबाज, बल्लेबाज देखिए राहुल सिंह यहाँ पर है। और गेंदबाजी की बात करेंगे तो शुभम, ये देखिए भाई टप्पा खाने के बाद हल्की से रिवर्सिंग देखने को मिला, और ये अनुभव ये काबिलियत है पुरानी गेंद से अंदर बाहर निकालना। देखिए मोहम्मद सिराज आज देखिए लाइव टेलीकास्ट उन्हें घर के ऊपर दिखाया जा रहा है। मोहम्मद सिराज बात करेंगे ना, देखिए घर के हवेली पर खड़े हैं, लेकिन लाइव टेलीकास्ट है आज, देखिए उन्हें 5000 से ज्यादा ऑनलाइन लोग देख रहे हैं, और उनके घर के सामने कई लोग, एक ही देखिए टूर्नामेंट ने उन्हें हीरो बना दिया। और ये चलिए कुछ पिछली गेंद से जो डॉट गेंद का सिलसिला था ना, वो मुश्किल में डालता हुआ। मैं हमेशा कहता हूँ डॉट गेंद एक कोरोना वायरस के जैसे मारता है कम डराता है ज्यादा, उस डर ने इस बल्लेबाज को डगआउट का रास्ता दिखाया। चलिए तुम तो धोखेबाज हो, मुस्कुरा कर डीजे मास्टर क्या क्या सॉन्ग लगा रहे हैं। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ मुस्कुराना तो हर लड़के का अदा है, लेकिन उसे जो प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 40 रन। देखिए आपको अगर क्रिकेट से मोहब्बत रखिए, क्रिकेट से प्रेम रखिए, क्योंकि ये क्रिकेट देखिए क्या कुछ नहीं दे रहा है आपको, समाज के साथ साथ, फैमिली के साथ साथ, और इस दुनिया में पहचान नाम आगे जाने का मौका। और ये चलिए भाई यहाँ पर हवा में गेंद, और यहां से चलिए चलता कर दिया बल्लेबाज को। तो चलिए बात करेंगे टीम का स्कोर, देखिए कहां रुका है जाकर 40 रन। तो बात करेंगे मंगेश जी, देखिए क्रिकेट ने क्या कुछ नहीं दिया, मिस्टर जेपीएल के नाम से देखिए विश्वजीत ठाकुर देखिए शादी तक पहुंचने वाले हैं। विश्वजीत ठाकुर का तो निश्चित रूप से शादी तय हुआ है, लेकिन मिस्टर जेपीएल ये नाम भी जोड़ता है, तो सोचिए जो उनके घर के जो वाइफ होंगे देखिए कितनी खुश रहेंगे। अभिजीत ठाकुर लीजिए, विश्वजीत ठाकुर लीजिए, और दोनों बंधु ने साथ ट्रॉफी में दो बाइक ले गए, और दोनों के घर भी वाइफ भी आने वाले हैं, और उससे पहले ले गए दोनों बाइक। धन्यवाद महागुरु सर। देखिए टेनिस क्रिकेट ने क्या कुछ नहीं दिया, देखिए केतन मात्रे वाइफ से पहले 13 बाइक, फोर व्हीलर के नाम है, और किरण मात्रे इस बार अच्छे लय में है। किरण मात्रे की देखिए क्या कमाल के बल्लेबाज देखने को मिला, अर्धशतक तेज अर्धशतक। और स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए वहीं पे रुका है 44-44 के घर के पर गेंदबाज तैयार, और ये चलिए फुल टच गेंद, देखिए खराब गेंद का पूरा फायदा नहीं उठा पाए। जब निचले क्रम के बल्लेबाज रहते हैं ना
तो मुश्किल यही रहता है, एक सेट बल्लेबाज रहता है ना तो उसके लिए जितना आसान रहता है, एक नए बल्लेबाज के लिए इतना आसान नहीं रहता है। कहते ना नए परिंदों को उड़ने में थोड़ा सा समय लगता है, वक्त लगता है। चलो चलिए कोई बात नहीं, क्रिकेट में ऐसा होता रहता है। ओवर की समाप्ति हुई, 4 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ टीम का स्कोर बात करेंगे तो अभी भी देखिए 48 रन एक अच्छी टोटल के ऊपर है, लेकिन इस टोटल को बेहतर क्या बना पाएंगे आने वाला 6 गेंद, और ये 6 गेंद मैं कहूंगा बहुत कुछ बताकर जाएगा, क्या चेंज द गेम मॉडल टीम को मैच में बनाए रखेगा या और दूर ले जाएगा। धन्यवाद ऋषि। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे टीम का स्कोर, देखिए 4 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर की बात करेंगे तो यहाँ से 48 रन बनाए, कम से कम 60-65 तक पहुंचना है तो फिर इस बल्लेबाज को और कुछ आक्रामक दिखाना होगा। कहते ना दोस्तों, समंदर का लहर चाहे जितना ऊपर उठे कभी आसमान नहीं छू सकता, आप सिंगल डबल से चाहे जितनी भी कोशिश कर लो आपको मंजिल नहीं मिल सकता। ये देखिए लगातार यहाँ पर बातचीत चलता हुआ, थोड़ा टीम मीटिंग कम लीजिए, चेंज दो मुरली टीम है, देखिए आपस में यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा चल रहा है, अभी कुछ करबो लड़बो हम ये मैच जीतबो, ये चर्चा चल रहा है यहाँ पर चेंज द गेम मॉडुलर टीम में, कैसे भी इस मुकाबला को हमें जीतना है। और अभी भी देखिए यहाँ पर उसाली खोल टीम, मुझे नहीं लगता इतना आसान से वो जाने देंगे इस मैच को। कहते ना ऊंचाई पर वो पहुंचते हैं जो बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं क्या बदलाव लाने की कोशिश किए चेंज द गेम मॉडुलर टीम है। झूला जितना भी पीछे जाता है उतना ही आगे आता है, इसलिए थोड़ा सब्र कीजिए, क्योंकि मुकाबला जितना करीब आता है उतना दूर जाता है, लेकिन इंतजार करने वाले को उतना मिलता है, कोशिश करने वाला जितना छोड़ देता है। तो यहां पर कोशिश तो जारी रखना चाहिए। गेंदबाज की बात करेंगे, जयेश पाटिल, ये चलिए बात करेंगे यहां पर, चलिए बिन पाइल से बजा घुंघरू, यानी छमछम छमछम छमछम, यानी एक्स्ट्रा के रूप में एक रन आता हुआ, एक्स्ट्रा रनों से टोटल आगे बढ़ेगा, लेकिन जो 60-65 का सपना है ना ये आप नहीं देख पाओगे। कहते ना दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा उठाया जाता है, खुद के कंधों में जिम्मेदारी उठाया जाता है। अभी भी देखिए बात करेंगे ना, यहां पर विशाल पाटिल का यहां पर इस्तेमाल नहीं हुआ गेंदबाजी में, तो यहां पर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चेंज द गेम मॉडल है ना, आप जो सोचते हो ना वो नहीं, वो करते हैं वो कुछ अलग करके दिखा दे। और इसी बीच देखिए एक पावरफुल AK-47 धन्यवाद ढीची। और चलिए क्या कुशल मोमेंट में यहां पर छक्का लगाते हुए, कहते हैं ना दोस्तों बस में धक्का खाना, क्रिकेट में छक्का खाना एक बराबरी के जैसे, काफी दिल में लगता है। संदेश जी क्या आपने कभी बस में धक्का खाए हैं, लेकिन धक्का कई तरह का होता है। टीम का स्कोर देखिए यहां पर 55 के घर के पर, लेकिन कैसे भी हो लेकिन ये छक्के ने चलिए तो चलिए यहाँ पर टोटल की बात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर चूक हुई निश्चित रूप से, होता रहता है इसे कोई बात नहीं। स्कोर की बात करेंगे, 52 के घर के पर पहुंचे हैं, देखिए लाइव टेलीकास्ट सामने रहते तो ये फायदा होता है। और ये चलिए खराब गेंद, और ये कितनी खराब गेंद, नो बॉल्स, ये तो शायद मेरे हिसाब से बीमर नो बॉल्स, और ये तो वार्निंग तो यहां से दिया जाएगा। और चलिए यहाँ पर फ्री हिट का बहुत बड़ा तोहफा है महागुरु सर, क्योंकि टीम चाहती थी इस तरह के कुछ ऐसा गेंद मिल जाए और जहां से रन आउट के अलावा। ये चलिए तीसरा अंपायर ले लिए, काम यहां से बढ़ता हुआ, अगर मेरे हिसाब से नो बॉल नहीं होता है तो वाइड तो मिलेगा, लेकिन नो बॉल चाहेंगे यहाँ पर बल्लेबाज। हेलो बाबू शाह, निश्चित रूप से यहाँ पर
उसाली क्रिकेट टीम के खिलाड़ी यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे, टीम बल्लेबाजी कर रहे। तो इस साल की जो बात करें, मेरे हिसाब से पहली मर्तबा देख रहे कि इतनी धुरंधर बल्लेबाजी यहाँ पर उसाली क्रिकेट टीम के माध्यम से हो रही है। काफी बढ़िया बल्लेबाजी नजर आ रही है, शुरुआत काफी धाकड़ हुई निश्चित रूप से। और जो बल्लेबाज जिस बल्लेबाज ने आक्रामक रवैया अपना था, वो आउट होने के बाद ये भी दोनों बल्लेबाज को बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करे, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? और बिल्कुल बिल्कुल सर, महागुरु सर जितने भी करें, देखिये जो चीज के पहले हमने जिक्र किया ना, नो बॉल्स फ्री हिट है। और यहाँ चलिए थोड़ा मैं कहूंगा क्लोजिंग 50-50 भी कहा जाए, यहाँ पर इस तरह के डिसीजन जब हो तो फिर बल्लेबाज के पक्ष में जाता है। और जो अंपायर कॉल था निश्चित रूप से, और देखिए यहाँ पर बात करेंगे चीनी तो गेम उड़ी टीम है, ताकत रखते हैं मुकाबला में वापसी करने की। चलिए हेमंत बात करेंगे, एक तगड़े खिलाड़ी हैं। और ये चलिए यहाँ पर देखिए, कभी बल्लेबाज के पक्ष में तो कभी गेंदबाज के पक्ष में, ये क्रिकेट का पहचान है। इसलिए कहते ना अंपायर के डिसीजन के ऊपर थोड़ा चलना चाहिए। हेमंत थोड़ी सी नाराज है क्योंकि हेमंत जगह पर खड़े थे और वहां से रह गए ना बल्ला लिए। हेमंत से बेहतर मैं कहूंगा उनका जो नॉस्ट्राइक पर जो बल्लेबाज है ना, वो बेहतर कह सकता है। सिंडी जी पालकर बात करेंगे, काफी दिनों का अनुभव यहाँ पर, देखिए वाइड यॉर्कर का यहाँ पर कोशिश किया गया और फ्री हिट का देखिए फायदा नहीं ले पाए। तो अभी भी बात करेंगे ना, यहां से चार गेंद बचाए, गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। और ये चलिए फुल टच बनाकर गेंद को खेला, फील्डर कमलेश देखे ना जगह से हिले, ना थोड़ा सा भी ऊंच नीच हुआ और आसान बना दी इस कैच को। धन्यवाद है। चलिए ये सॉन्ग उड़ीसा की खास करके थी, ये सौमिता, और महाराष्ट्र की सॉन्ग भी काफी धूम मचाती है। एक शादी में एक बार मंगेश जी हमारे उड़ीसा में, मुंबई रिक्शा वाला, क्या धूम मचाई थी वो सॉन्ग, और मुझे लगा यहाँ पर महाराष्ट्र लोग पहुंच गए क्या। लेकिन ऐसे देखिए ऐसा सॉन्ग रहता है जहाँ हर देश की सॉन्ग हर गाँव में मनाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर टीम का स्कोर बात करेंगे, कुछ गेंदे बची है यहाँ से, बची कुछ गेंद की बात करेंगे तो यहाँ से तीन गेंद बचाए, कहते हैं ना तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नाला ने क्या रखा है। और ये चलिए तैरना है तो समंदर में तैरिए, एफर्ट देखिए बड़ी कमाल का, क्या यहाँ पर क्या चले पाए, शायद गेंद थोड़ा सा आगे गिरा। और ये चलिए मनोबल देखिए, चेज द गेम उड़ोली क्यों कहा जाता है, इसलिए कहते ना जिंदगी में मेहनत इतना करो कि किस्मत भी कहेगा बेटा ले 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 ले, ये तेरी अमानत है। टीम का स्कोर देखिए अभी भी वही का वही रुका है, यहाँ पर सिंगल आया लेकिन 54-54 के घर के पर पहुंचता हुआ गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। और इस बार देखते हैं गेंद वाइड का मांग किया जा रहा था, लेकिन इस बार फिर से एक डॉट गेंद निकलता हुआ, मुश्किल बनेगा देखिए जितनी आप डॉट गेंद खेलोगे। जैसे कहते ना फूलों से दोस्ती करो तो कांटों से खतरा, अगर सरदार जी से दोस्ती कर लो तो दिमाग को खतरा, डॉट गेंद से दोस्ती करो तो फिर आपकी टीम को बनेगी वो खतरा। बची हुई है यहाँ सुपर की बात करेंगे तो गेंदे के बारे में, आखिरी गेंद से इस आखिरी गेंद के ऊपर क्या एक बड़ा शॉट खेलकर इस मैच में जान डाल पाएंगे, क्या मैच में रोमांच लेकर आ पाएंगे। जो 60 रनों तक पहुंचने की बात हमने क्या था किनारा लिया, और कहते ना जिंदगी में इंसान को कभी कभी दुश्मन से भी प्यार हो जाता है, तो उसी तरह से बल्ले से किनारा लिया और फसली और विकेट कीपर को वेट किया और गेंद लॉन्ग लेग से मारे के बाहर 4 रन। थैंक्स डीजे मास्टर, इथे मान्यवरांना सन्मानित केलं जात आहे। बामण डोंगरी क्रिकेट जीवदानी बामण डोंगरी क्रिकेट संघाचे संघनायक तेजस माते साहेबांचा इथे सन्मान केला जाईल। तर मी सन्माननीय रोशन शेट पाटील, आमचे आमदार ट्रॉफीचे दमदार आयोजक कल्पक कुशल आणि यांचा नेतृत्व संघ या खऱ्या अर्थाने प्राप्त झालेले सन्माननीय रोशन शेट पाटील, रोशन ट्रान्सपोर्टचे ओनर्स
यांच्या शुभासे तेजस मात्रे बामन नगरी क्रिकेट संघाचे संघनायक त्यांनी स्पर्धेच्या माध्यमातून मायेची उबदार शाल आणि गावदेवी कोपरोली क्रिकेट संघाच्या या स्पर्धेचं सन्मान चिन्ह देऊन तेजस मात्रे यांचा सन्मानित केला जात आहे। विचुंबे भैरवनाथ विचुंबे क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी संपर्क साधायचे बघा। पुढची लढत असणार आहे ती जीवदानी बामणनगरी विपक्ष भैरवनाथ इलेवन विचुंबे, तर दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी संपर्क साधायचे बघा। बेल घेऊ नका, बेल कमी असणार आहे आमच्या कमिटीकडे, कारण इथे आपण क्रिकेट स्पर्धा पाहतो। पनवेल विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार तथा रायगड जिल्हा भारतीय जनता पार्टीचे विद्यमान अध्यक्ष सन्माननीय आमदार प्रशांतदादा ठाकूर साहेब यांच्या नावाची क्रिकेट स्पर्धा खऱ्या अर्थाने आपल्या भेटीसाठी आलेले आहे। आणि या स्पर्धा खऱ्या अर्थाने या गावचे कोपरोली गावचे माजी सरपंच रमेश पाटील साहेब यांच्या कल्पक नेतृत्वाखाली ही साकार झालेली रायगड जिल्ह्याची मानाची क्रिकेट स्पर्धा। आणि या स्पर्धेमधला पुढचा सामना असेल बघा जीवदानी बामणनगरी विपक्ष भैरवनाथ क्रिकेट संघ विचुंबे, दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी यायच्या बघा। नाणेफेक केली जाईल, विचुंबे क्रिकेट संघ संघनायक यायचे आहे। आणि वल्लना रावत बघा पुढच्या सत्रासाठी आमचे मित्र दीपक पाटील सरांकडे आपण वलूया, बाबूशा ज्याने अतिशय शेरोशायरीमध्ये सर्वांचं मनोरंजन केलं। आणि ही लढत सुद्धा दीपक पाटील सर या सामन्याबद्दल म्हटलं गेलं तर निश्चित सुरुवात प्रथमता फलंदाजी करत असताना उसाली क्रिकेट संघाने एक चांगलं मोठं आव्हान प्रतिस्पर्धी चेंज गेम वडवली क्रिकेट संघासमोर उभं केलेलं आहे खऱ्या अर्थाने। परंतु वडवली क्रिकेट संघाची जर विचार केला फलंदाजी ही मोठी भिस्त आहे, तर एका बाजूला उसाली क्रिकेट संघाची गोलंदाजी मोठी ताकद आहे। संघनायक इथे आलेले आहेत मित्रांनो, विचुंबे क्रिकेट संघाचे अष्टपैलू क्रिकेटर। आज विचुंबे क्रिकेट संघाला सपोर्ट करण्यासाठी पनवेल तालुका कुस्तीगीर संघचे विद्यमान अध्यक्ष तथा माजी सरपंच बलिराम शेट पाटील साहेब विचुंबे यांच्या वतीने सुद्धा इथे आमदार ट्रॉफीला शुभेच्छा देण्यात आलेल्या आहेत। स्वागत आहे आपलं, तर यावं नाणेफेकीसाठी दोन्ही संघनायकांनी। तर जाऊया दुसऱ्या सत्राकडे, ज्या ठिकाणी 59 धावा चेस करायचे आता मात्र चेंज द गेम वडवली बी संघाला उसरली खुर्द। आणि वडवली बी दोन टीम्स मध्ये मात्र पहिल्या फेरीमधील ही लढत आपण पाहतोय। पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना मात्र 58 धावा उभारल्या उसरली संघाना। कल्याण डोंबिवली परिसरामध्ये सातत्यानं मात्र चांगला खेळ करणारे दोन संघ आज या स्पर्धेच्या निमित्तानं पाहायला मिळतात। एका बाजूला आपण पाहिलं पहिली मॅच जिंकली होती वाकळण संघानं आणि इथे वडवली बी संघ जो दूरवरून इथपर्यंत प्रवास, परंतु 59 धावा काढण्यापासून वंचित ठेवणार का हेमंत भगत अँड कंपनी। पहिलाच बॉल स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता, इथे मात्र अपील पाहायला मिळाली आणि पंच अनोख्या अदामध्ये सांगत असताना निर्धाव चेंडून मात्र सुरुवात झाले। पहिला षटक आपण पाहतोय, जितेंद्र मुंडे खूप चांगला गोलंदाज, गेले 2 वर्ष सातत्यानं मात्र या गोलंदाजानं प्रभावित केलंय। पहिलं षटक मात्र तो नेहमी टाकत असो, ओर द विकेट न फलंदाजापासून खूपच दूरवर ठेवण्याचा प्रयत्न। व्हायब्रेटर एम्पायर सँडी पालकर यांचा इशारा येतोय, व्हाइट बॉल्स एक अतिरिक्त धाव मिळेल आणि या एक्स्ट्राजनं मात्र खातं उघडलं जात आहे ते चेंज द गेम वडवली बी संघाचं। 59 धावा करायच्या आहेत, 12 आसपास सरासरीनं जावं लागणार। इथे जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न, बॅटची कड घेतली, इनर एज घेतली आणि त्यानंतर मात्र शॉर्ट फाईन लेगला बॉल सरकला होता। निर्धाव चेंडूची सांगता, खूप चांगली स्पर्धा आपण पाहतोय। आज या स्पर्धेचा दुसरा दिवस आहे, 6वं वर्ष आहे आमदार चषक 2021। रोशनजी पाटील जे मुख्य आयोजकाच्या भूमिकेमध्ये नेहमी सातत्यानं ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी फार मोठी मेहनत, परंतु यावेळेस मात्र मेहनत घेतली आहे ते बॅट्समन विशाल पाटील ना पुलचा फटका स्क्वेअर लेग सीमा रेषा पार, पहिला षटकार।
धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 7 या आकड्यावर। पहिले षटक जितेंद्र मुंडे राइट अमोर द विकेट ना विशाल पाटील साठी, विशाल साठी हा स्ट्रोक या वेळेस मात्र फसला। इथे मात्र कव्हरच्या वरतून खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु स्ट्रेट टू द कव्हर फील्डर आणि बॅट्समन आउट होईल। लागलेला हा जोरदार झटका एक बिग विकेट म्हणूया आपण विशाल पाटीलच्या स्वरूपामध्ये। 6 धावा काढून एक महत्वपूर्ण सफलता जितेंद्र मुंडे आपल्या नावावर करतोय। सुरुवातीलाच लागलेला हा जोरदार झटका, विशाल पाटील नेहमी लॉंग इनिंग्स त्याच्या सातत्याने आपण पाहत असतो, परंतु इथे मात्र दुर्दैवीरित्या तो झेलबाद झालाय। 7 धावांवर पहिलीच सफलता आणि इथून कमबॅक करावा लागणार आहे उसरली खुर्द। एक महत्वाचा खेळाडू पहिलाच ओव्हरमध्ये बाद होणं, त्यामुळे याचा बेनिफिट्स घ्यावा लागणार आहे उसरली टीमला। एक चांगला मोमेंटम मिळालाय, हा मोमेंटम इथून सोडता कामा नये, परंतु इथून कशा पद्धतीनं हेमंत भगत आणि त्यांची संपूर्ण यंत्रणा कार्यान्वित होते हे सुद्धा पाहणं तेवढंच गरजेचं आहे। जितेंद्र मुंडे फार मोठी सफलता मित्र म्हणेन या गोलंदाजासाठी। नवीन बॅट्समन कावा जातोय, कमलेश पाटील लेफ्ट हँडेड बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये शिरकाव करतोय। तगडा संघ आहे वडवली बी संघ, सातत्यानं लढायचं संघर्ष करायचा आणि अगदी पाहायला गेलं तर सगळे यंगस्टार घेऊन हा संघ उदयाला आला आणि त्यानंतर मात्र या संघानं कधीच मागे वळून पाहिलं नाही। प्रत्येक स्पर्धांमध्ये मात्र एक शिस्तबद्ध संघ म्हणून सुद्धा या संघाला गणलं जातं आणि ते सातत्यानं त्यांच्या वर्तनावरून दिसून येत आहे। यावेळेस हा फटका जातोय मिडॉन कडे, इथे मात्र इट्स अ बिग विकेट। ओहो, ऋतिक पाटील इन फॉर्म बॅट्समन वडवली बी संघाचा सध्याच्या घडीचा स्टार फलंदाज फुकटामध्ये सापडलाय। एकही चेंडू खेळू न देता आता मात्र थोडेसे धाबेदार आणले असतील वडवली बी संघाचे, कारण ऋतिक पाटील एकही चेंडू खेळू न देता मात्र त्याला रनआउटच्या स्वरूपात माघारी यावं लागतंय। यापेक्षा दुर्दैव काय असू शकतं वडवली बी, परंतु उसरली खुर्द संघानं चांगल्या पद्धतीनं कमबॅक केलंय 7 या धावसंख्येवर। दुसरा लागलेला हा जोरदार झटका, ऋतिक पाटील शून्यावर बाद झालाय, एकही चेंडू खेळायला मिळाला नाही हे त्याचं दुर्दैव होतं। कमलेशला आता मात्र पूर्णपणे या डावाला आकार द्यावा लागणार आहे। इथून मात्र गॅपमधून बॉल निघतोय, पॉइंटला थोडीशी मिसफील्ड झाली त्या ठिकाणी, 2 धावा मात्र कम्प्लीट केल्या गेल्या। हा आता स्कोर कार्ड पुढे न्यावा लागणार, कमलेशवर फार मोठी जबाबदारी येऊन ठेपले, कारण विशाल पाटीलचं झटपट बाद होणं आणि ऋतिक पाटील ही विकेट अशी पडणार हे स्वप्नातही वाटले नसेल कोणाला, परंतु हे मात्र झालंय। पहिला षटकाचा खेळ समाप्त झालाय आणि दोनही ओपनर सलामीवीर विशाल पाटील ऋतिक पाटील पाहायला गेलं तर आज मात्र योगदान या खेळाडूंना देता आलं नाही। विशालनं 6 धावा, परंतु ऋतिक शून्यावर 9 धावा या पहिल्या ओव्हरमध्ये आल्या दोन फलंदाजांच्या मोबदल्यामध्ये। नवीन गोलंदाज यावेळेस सज्ज होतोय नागेश खंडागळे। तर नागेश येण्यानं सुद्धा पाहायला गेलं तर उसरली खुर्द संघ फार मजबूत झालाय। फलंदाजी असेल, गोलंदाजी असेल, क्षेत्ररक्षण असेल, तीनही फॉर्मॅटमध्ये खूप चांगली कामगिरी करतो हा खेळाडू। दुसरं षटक घेऊन तयार होईल, पहिलं षटक जितेंद्र मुंडेनं काय हाताळलंय। आज मात्र 2 टॉप ऑर्डर बॅट्समन ज्यांच्या विकेट्स काढण्यासाठी मात्र तरसावं लागतं गोलंदाजांना, त्या विकेट्स मात्र त्याच्या षटकामध्ये पडल्या गेल्या। भले रनआउट का होईना, परंतु ऋतिक पाटीलला
बात केला इथे खूप चांगला स्ट्रोक या प्लस मात्र कव्हरच्या दिशेने अगदी शेवटच्या क्षणाला मात्र एका हाताने आतमध्ये ढकलला जातोय बॉलला. दोन धावा कंप्लीट. हरीश मुंडे त्या ठिकाणी होता. खूप चांगला फलंदाज म्हणून त्याची ओळख आहे आणि फिल्डिंग सुद्धा पाहिली त्याची चपळता आपण पाहिली असं वाटत होतं. एवढ्या वेगानं जाणारा बॉल अंतिम क्षणाला मात्र इन केला. खूप चांगला प्रयत्न त्या ठिकाणी हरेशनं आपल्या टीमसाठी दोन धावा जरूर वाढवल्यात. दुहेरी धावांचं योगदान धावसंख्या 11. नेक्स्ट मॅच तयार राहायचं आहे बामणडुंगरी विचुंबे दोन्ही टीम्स. नागेश खंडागळे पुन्हा एकदा सज्ज. अकूट टप्प्याचा बॉल या वेळेस मात्र बॅकफुटला जाऊन पूल केलाय. बॉल हवेमध्ये आहे. जेल मात्र सुटला जातोय आणि चेंडू सुद्धा फरार होतोय तो सीमारेषेच्या पलीकडे. इथे मात्र दैव देत आणि कर्म नेत अशीच काहीची परिस्थिती. सामन्यामध्ये वरचढ होण्याची नामी संधी आली होती परंतु चार धावा यावेळेस मात्र मिळतील वडवली बी टीमला. दिनेश त्या ठिकाणी होता. नामी संधी मित्र बनेल कल्पेश पाटील जो मात्र डावाला आकार देण्याचा प्रयत्न करतोय. खूप दोन चांगले स्ट्रोक त्याच्या बॅटमधून आले आहेत. खास करून वैशिष्ट्य पहिल्यांदा कव्हर्सला मारला होता आणि त्यानंतर मात्र पूलचा फटका बाहेर काढला. खेळावं लागेल या दोनही बॅट्समनना कारण हे फार महत्वाचं आहे. दोनही दिग्गज खेळाडू आहेत खेळपट्टीवर. यावेळेस मात्र समोर ड्राईव्ह केलाय. मिडॉनला बॉल चाललाय. सिंगल येईल. स्ट्राईक रोटेट केली जाते एकेरी धावेच्या बरोबरीनं. धावसंख्येमध्ये बदल. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 16 या आकड्यावर. 16 रन्स 59 धावा करायच्यात या मॅचमध्ये. एखादं चांगलं षटक दोनही टीमच्या दृष्टिकोनातून. वडवली संघाच्या बाजूने बोलायचं झालं तर 15 आसपास जर एका षटकामध्ये धावा आल्या तर पटकन धावगती आणि जो अस्किंग रन रेट आहे तो कमी होऊ शकतो. परंतु एखादी विकेट थोडंसं टेन्शन वाढवेल ते नक्कीच वडवली बी संघासाठी. त्यामुळे खूपच इंटरेस्टिंग लढाई तुम्हाला पाहायला मिळणार हे मात्र निश्चित आहे. प्रत्येक मॅच आणि आज रोशन पाटील यांची स्पर्धा रंगलीच नाही मग सारं काही व्यर्थ. प्रत्येक सामना तुम्हाला चोरशीचा पाहायला मिळतोय या अर्णव मैदानावर. इथे मात्र थोडंसं स्लॉक करण्याचा प्रयत्न केला होता. बॉल खेळून काढलाय. मिडॉनकडे चाललाय. सिंगल येत आहे. एकेरी धावेनं हा डाव पुढे नेण्याचा प्रयत्न मात्र केला जातोय आणि हाच करावं लागेल. स्मार्ट क्रिकेट अँड सेन्सिबल क्रिकेट खेळलं जाते मैदानावर. दोनही खेळाडूंना माहिती आहे दोन महत्वपूर्ण विकेट गमावल्यावर फार मोठी जबाबदारी आपल्या खांद्यावर आहे आणि ह्या जबाबदारीचं ओझं आता मात्र पेलावं लागणार आहे या दोनही फलंदाजांना. सिंगल डबल्स मिळेल तेव्हा चौकार असंच करत मात्र हा डाव पुढे न्यावा लागणार आहे. 59 धावांचं लक्ष या मॅचमध्ये. आत्तापर्यंत धावफलकावर 17 धावा लागल्यात. दुसरं षटक सुरू आहे. गोलंदाज नागेश खंडागळे राईट मोर द विकेट ना. लोवर फुल टॉस होता. ड्राईव्ह केला इथे मात्र मिड ऑफला वेगानं थ्रो आलाय परंतु रन मात्र काय कंप्लीट केली गेली. फास्ट टू मध्ये एकदम रनिंग बिटवीन द विकेट पाहिली तर खूप स्मार्ट. अजून एक सिंगल मात्र ऍड केली जाईल. धावसंख्या 1 पुढे जाते. 18 धावा 18 रन्स. शेवटचा चेंडू असेल दुसऱ्या षटकामधील. यानंतर मात्र सर्कलचं रिस्ट्रिक्शन हटणार आहे. पॉवर प्लेची दोनही षटक समाप्त होणार आहेत. त्यामुळे या शेवटच्या बॉलवर एखादा मोठा फटका येणार की सिंगल्सनं मात्र अगदी संयमानं क्रिकेट खेळलं जाणार याकडे नजर जरूर असेल. कमलेश पाटीलला जर 5 षटकं थांबला तर नक्कीच विशालला सुद्धा माहिती आहे ही मॅच आपण जिंकू शकतो. कारण अशा बऱ्याचशा इनिंग मग कमलेश आठवला की सगळीच मैदानं त्याची डोळ्यासमोर येतात जी त्यांनी गाजवलेत. इथे मात्र फटका फसलाय. बॉल हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक येतोय दूरवरून. कोणतीही चुकी नाही आहे. बॅट्समन आउट होईल आणि आता मात्र लागलेला अजून एक जोरदार झटका. कमलेश पाटील कावाला आता मात्र मैदान सोडावं लागणार आहे. 3 गडी बाद धावसंख्या आपण पाहतोय 18 धावा 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर. I know.
तीन फलंदाज बाद झाले, तीनही स्टार खेळाडू वडवली बी संघाचे यावेळेस आता मात्र तंबू मध्ये बसून हा सामना पाहणार। आता खऱ्या अर्थाने जबाबदारी आले, नेहमी जी जबाबदारी टॉप ऑर्डर घेत असते ती जबाबदारी आता मात्र मधल्या फळीतील फलंदाजांवर येऊन ठेपले आणि मधल्या फळीतील फलंदाज ही जबाबदारी कशा पद्धतीने पूर्ण करणार। 18 चेंडू आणि 41 धावांची आवश्यकता या मॅच मध्ये असेल विजयासाठी। चेंज द गेम वडवली बी संघाला। विकास पाटील येतोय मैदानामध्ये, पाचव्या क्रमांकावर दाखल झाला गोलंदाजीसाठी राहुल। राहुलचा पहिलाच बॉल यावेळेस मात्र त्रिफळा उद्ध्वस्त केलाय, क्लीन बोल्ड बाद केलाय, आल्या पावली माघारी फिरावं लागणार आहे विकास पाटील। चौथा धक्का बसलाय, चेंज द गेम वडवली बी संघ, परंतु इथं चेंज द गेम करून टाकला तो उसरली खुर्द संघानं। चुकीला माफी नाही। राहुल श्रेष्ठचा हा श्रेष्ठ चेंडू म्हणावा लागेल, कारण ज्या पद्धतीने कम्प्लिटली ब्लॉक केलं सर्वोत्कृष्टच होता। इथे मात्र बॅट्समन आउट झाला विकास पाटील। आता सगळ्यांची नजर कल्पेशवर असेल, नवीन बॅट्समन शुभम आलाय, शुभम मध्ये सुद्धा क्षमता जरूर आहे आणि आता मात्र क्षमतेने तर खेळ करावाच लागेल, परंतु संयम सुद्धा दाखवावा लागणार आहे, हा सामना पुढे न्यावा लागणार। कारण पाहायला गेलं तर चेसेबल अजूनही धावसंख्या आहे, बाराची सरासरी म्हटली की फार मोठी नसते क्रिकेटमध्ये, परंतु ज्या पद्धतीनं आता मात्र अस्किंग रन रेट वाढायला लागलाय, परंतु दोन एक मोठे फटके आले तर नक्कीच पटकन हा रन रेट पुन्हा एकदा खाली येऊ शकतो। नवीन बॅट्समन शुभम पाटील गाड घेत असताना अंपायर्स कडून दोन पंच पण पाहतोय, सँडी पालकर फ्रॉम केवाळे, दुसऱ्या बाजूला स्क्वेअर लेग पंच द्वारकानाथ चोरगे फ्रॉम बेलवली आणि तिसरे मंगेश फडके। इथे मात्र आल्या पहिल्याच बॉलवर इट्स अ बिग हिट, लॉंग ऑनच्या वरतून खेचला हा फटका राहुल श्रेष्ठचा पुढचा बॉल सहा धावांकरता षटकार। षटकारानं मात्र खातं उघडलंय ते शुभम पाटील या फलंदाजांना, राहुल श्रेष्ठचा ओव्हर पिच बॉल आणि काय ड्राईव्ह चढवला, लॉंग ऑनच्या वरतून मात्र खूप चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळाला। इथून मात्र हा षटकार आत्मविश्वास वाढवणार असेल। धावसंख्या वडवली बी संघाची जाऊन पोहोचले ती 24 या आकड्यावर, 24 आतापर्यंत, अजूनही 35 धावा दूर असेल वडवली संघ विजयापासून। राऊंड विकेट ना राहुल, राहुलचा हा बॉल अजून एक बिग हिट, यावेळेस मात्र त्याही पेक्षा दूरवर जाऊन बॉल पडला डीप स्क्वेअर लेग सीमा रेषा पार। शुभम पाटील वडवली होऊन सेट होऊन आलाय की काय, अशाच आविर्भावामध्ये टोकतोय हा दुसरा षटकार। भेदक माऱ्यासमोर मात्र अंडर प्रेशर मात्र जी खेळी आतापर्यंत साकारले, दोन बॉलवर 12 धाबा, टेन्शन घालवलंय पूर्णपणे मी तर म्हणेन वडवली बी संघाचं। यावेळेस हा फटका ऑन साईडला लॉंग ऑनला येतोय हरीश शाय, त्या ठिकाणी एकच जाब येईल सिंगल धावेनं, मागच्या तीन बॉलवर आलेल्या 13 धावेनं पटकन समीकरण पलटून गेलंय। येणारी आता मात्र 14 चेंडू आणि गरज आहे ती बरोबर 28 धावांची, प्रत्येक चेंडू गणिक दोन धावा असं समीकरण आता मात्र मैदानावर आहे। कल्पेश पाटील आणि शुभमनं जबरदस्त बॅटिंग केलंय, आल्यापासून आक्रमकपणा दाखवलाय, तर दुसऱ्या बाजूला मात्र संयमाची भूमिका घेतलीय ती कल्पेश पाटीलना, ओव्हर द विकेटनं आता मात्र आलाय गोलंदाज। यावेळी जोरात अपील पाहायला मिळाली, पंचांनी सांगितलंय बाहेर होता, बिलकुल संबंध नाहीये, लेग बायच्या स्वरूपात इथे मात्र सिंगल येते, एकेरी धावेनं धावफलक मात्र पुढे जात आहे।
तर थँक्स दीपक पाटील सर, इथे खऱ्या अर्थाने ज्यांचं आगमन झालेलं आहे की ज्यांच्या संकल्पनेतून प्रत्येक वर्षी याच मैदानावर वैकुंठवासी स्वर्गीय गणपतबुवा पाटील स्मृती चषकाचं आयोजन केलं जातं, सन्माननीय आमदार चषकाचं आयोजन आपण इथे पाहतो आणि याचे दमदार नेतृत्व आहेत की ज्यांच्या नेतृत्वाखाली स्पर्धा संपन्न झालेली आहे ते कोपरेली ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच रमेश शेटपाडी साहेबांचं इथे आगमन झालेलं आहे, त्यांचं स्वागत. ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स. स्वागतम, सुस्वागतम. स्वागत आहे. खऱ्या अर्थानं ही स्पर्धा सहाव्या वर्षामधील ही स्पर्धा आणि सतत दरवर्षी आपण पाहतोय या स्पर्धेचा ग्राफ उंचावत चाललाय आणि त्यासाठी मात्र ही सारी मंडळी फार मोठी मेहनत घेतात. सन्माननीय रमेशजी पाटील साहेबांचं या मंचावर आगमन झाले, त्यांचा मी मनापासून स्वागत करतोय. थँक्स. तर इथे बघा, नाणेबे केले जाईल रमेश शेटपाटी साहेब माजी सरपंच कोपरोली यांना आम्ही आमंत्रित करतो. आपल्या शुभासे नाणेबे करायचे जीवदानी बामण नगरी विपक्ष भैरवनाथ विचुंबे क्रिकेट संघ, सामना 5 षटकांचा असेल. बघूया नाणेबेचा गोल कोणत्या संघाच्या बाजूने लागतो. रमेश शेटपाटी साहेब आपण नाणेबे करायचे आहे आणि रमेश शेटपाटी साहेब एक गाली क्रिकेटर होते मित्रांनो, आज राजकीय क्षेत्रामध्ये खूप मोठं नाव, आमदार प्रशांतदादा ठाकूर साहेबांचे ते निकटवर्ती म्हणून ओळखले जातात. नाणेबेचा गोल विचुंबे क्रिकेट संघाच्या बाजूने लागला. संघाने आपला निर्णय फक्त सांगायचा आहे. आम्ही टीम एकत्र देऊन डिसिजन घेऊ सर. यदा कदाचित तुम्ही जर क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला तर जीवदानी बामणनगरी क्रिकेट संघ तेजस मात्र साहेबांच्या संघाला किती धावांना रोखण्याचा तुमचा प्रयत्न असेल? आम्ही तर कमीत कमी धावा रोखवण्याचा कमी. आयोजनाबद्दल काय सांगाल? या निश्चित स्वरूपात आपण पाहतो इथे आमदार ट्रॉफीचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे, या आयोजन आपलं कसं का वाटलं, काय सांगू शकाल याबद्दल? प्रथमतः रोशनदादा आणि रोहित यांचा आम्ही धन्यवाद मानतो की आम्ही एंट्री न देताही आमचा एंट्री नेहमी फिक्स असते इकडे. थँक्स. तेजस माचे साहेब, तुम्हाला खऱ्या अर्थाने आता फलंदाजी करायची आहे, संघामध्ये काय चेंजिंग असणार या वेळेस? काही चेंजेस वगैरे नाही आहेत, आहे तोच संघ असेल. ऑलरेडी आमच्या स्क्वेडमध्ये 15 ते 16 प्लेअर असतात, त्यामुळे कोणाला बसवायचं हेच वांजे होतात. एकंदरीत 5 षटकामध्ये किती धावा तुमचा सध्या यावर्षी बघितला, आम्ही जबरदस्त फॉर्ममध्ये संघ, एकंदरीत 5 षटकामध्ये किती धावा बनवण्याचा तुमचा मानस असेल? नक्कीच 65 ते 70 वरती जाण्याचा नक्कीच आम्ही प्रयत्न करू. काय सांगाल स्वतः, तुम्ही सुद्धा डे मोठे क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजक आहात किंजल ट्रॉफीचं, एकंदरीत या आयोजनाबद्दल आपण काय सांगू शकाल? नक्कीच या पट्ट्यात खेळायला खूप आवडतं आणि रोहित आणि रोशनचं आयोजन बोलल्यावर ते काय डोळे बंद करून खेळावं लागतं, कारण की तिथे आम्हाला ॲड जरी फक्त ॲड आली का तरी फक्त सांगतो आता या दिवशी तुझी मॅच आहे खेळायला ये, कारण की मला फोन करून सांगायला पण लागत नाही एंट्री ठेव म्हणून. थँक्स. हे होते जीवदानी बामणनगरी क्रिकेट संघाचे संघनायक तेजस म्हात्रे. तर पुन्हा एकदा बोलूया आमच्या समालोचक मित्र दीपक पाटील सर यांच्याकडे. थँक्यू सो मच गडगे सर. 12 बॉल आणि 25 धावांची आवश्यकता, इथून मात्र या मॅच मध्ये निर्णायक मोड आला. मागच्या ओव्हर मध्ये आलेल्या 16 धावानं संपूर्णपणे चित्र पालटलंय. पुन्हा एकदा सज्ज. याचा हा बॉल मागे येतो यष्टीरक्षक हेमंतकडे. निर्धाव चेंडूची सांगता आपल्याला पाहायला मिळते. कल्पेश पाटील आणि शुभम पाटील, शुभम पाटीलनं अगदी झटपट धावा जमवल्या. 4 चेंडू तो समोर गेला आणि 4 बॉलमध्ये त्यांनी तब्बल पाहायला गेला तर 15 धावांची घाई साकारली आणि जी निर्णायक होती ज्या 15 धावा उभारल्या शुभमनं त्या महत्वपूर्ण. 25 धावा करायच्या, 3 ते 4 चौकार किंवा 2-3 षटकारांनी मात्र लगेच या मॅचमध्ये बनता येऊ शकतो, परंतु ते चेंडू तुम्हाला शोधावे लागणार आहेत. खराब चेंडूंवर समाचार, सिंगल डबल्स घेत मात्र तेवढा संयम आणि आक्रमकपणा दाखवावा लागणार आहे. ओव्हर द विकेटनं यावेळेस आडव्या पॅटनं पूल केलाय. खंडागळेचा हा बॉल यावेळेस मिड विकेटला जातोय, मिस फील्ड त्या ठिकाणी पाहायला मिळते. दुसरी रन कम्प्लीट, 2 धावा, इथून येणारी प्रत्येक सिंगल फार महत्वाची आहे सेव्ह करणं. उसरली संघ, कारण एक एक धावेनं काहीही घडू शकतं. या 2 धावांच्या मदतीनं धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली ती 36 या आकड्यावर. दहा चेंडू आणि 23 धावांची आवश्यकता. नागेचा हा बॉल यावेळेस मात्र ऑन साईडला मिड विकेटला प्रहार केलाय. वेगानं फिल्डर रजेश त्या ठिकाणी पोहोचतोय, एकच जाब येत आहे. सिंगल, हे षटक फार महत्वाचं आहे दोन्ही संघाच्या दृष्टिकोनातून, कारण नागेश खंडागळेला हेच करायचं आहे. या षटकामध्ये एकही मोठा फटका खेळू द्यायचा नाहीये आणि जो पहिल्या 3 बॉलवर त्यानं खेळू दिला नाहीये आणि जर असेच 3 चेंडू राहिले तर शेवटच्या षटकामध्ये मात्र थोडंसं दडपण जरूर वाढणार आहे, कारण धावा जास्त राहणार आहेत. परंतु एखादा मोठा फटका जर या 3 बॉलमध्ये एक तरी आला तरीही ते अंतर कमी होऊ शकतं. 9 चेंडू आणि 22 समीकरण आहे.
9 बॉल 22 शेवटच्या षटकासाठी मात्र किती धाबा राहणार याची चर्चा आता मात्र प्रेक्षकांच्या मध्ये असेल. ओवर द विकेट ना नागेशचा हा बॉल यावेळेस मात्र स्ट्रोक चांगला आहे. टायमिंग कमालीचं जुळलं होतं परंतु इथे मात्र अगदी शेवटच्या क्षणाला जेल टिपला जातोय. बॅट्समन आउट होईल आणि आता मात्र पाहायला गेलं तर थोडासा संकटामध्ये अडकणार आहे तो वडवली बी संघ. कारण ज्यानं मात्र उम्मीद वाढवली होती ज्यानं अपेक्षा उंचावल्या होत्या तो शुभम पाटील. 2 षटकाराचा खेळ त्यानं सादर केला होता परंतु एक मोठा स्ट्रोक कन्वर्ट करण्याच्या नादामध्ये मात्र त्याची विकेट इथे मात्र गेले आणि आता मात्र जिंकण्यासाठी हव्यात येणारे 8 चेंडू आणि 22 जाबा. ठीक इथे बघा मान्यवरांचं आगमन झालेलं आहे. कोपरेली गावचे सुप्रसिद्ध बिल्डर्स तथा विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य आहे. या स्पर्धेला ज्यांच्या माध्यमातून मालिकावीरसाठी बाईकचे जे पुरस्कार ते आहेत बाईक गाडीचे खऱ्या अर्थाने ते धनंजय दादा पाटील साहेबांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. धनंजय दादा पाटील साहेब आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. स्वागतम सुस्वागतम. ज्यांच्या माध्यमातून मात्र नेहमीच दरवर्षी ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी फार मोठे योगदान त्यांचं असतं. सन्माननीय धनंजयजी पाटील साहेबांचं या मंचावर आगमन झालंय. खूप खूप स्वागत आहे. परंतु इथे मात्र नागेश खंडागने ट्विस्ट निर्माण केलाय. अकुटप्प्याचा बॉल यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा मिडविकेटच्या दिशेमध्ये. अजून एक बॅट्समन आउट होईल. कल्पेश पाटील लागलेला जोरदार झटका आणि आता मात्र थोड्याशा उरल्या सुरल्या अशा संपुष्टात येतात की काय असा प्रश्नचिन्ह प्रेक्षकांच्या मनामध्ये आहे. कारण मागचे 2 चेंडूंवर 2 विकेट नागेश खंडागळे असेल विकेट हॅट्रिकच्या उंबरट्यावर. येणारे 7 चेंडू आणि 22 धावांची आवश्यकता. स्क्रीनवर आपण पाहतो हे दृश्य. या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक सन्माननीय रोशनजी पाटील यांचे पिताश्री रमेशजी पाटील त्याचप्रमाणे बहागुरु एम डी गडगे सर. स्क्रीनवर आपण पाहतोय साईब्रीद लाईव्हच्या माध्यमातून ही क्षणचित्र. चव्या पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेनं ज्या ठिकाणी गोलंदाज नागेश खंडागळे विकेट हॅट्रिकच्या उंबरट्यावर. 7 बॉल 22 एखादा चौकार इथे पाहायला मिळणार का जेणेकरून हे धावांचं अंतर कमी करता येऊ शकतं. कुटप्प्याचा बॉल बॅटची कडण जे हवं होतं त्या धावा आता मात्र येतात. शेवटच्या बॉलवर डीप फाईन लेग सीमारेषेच्या पलीकडे जातात. या 4 धावेनं मात्र अंतर थोडस कमी केलंय. येणारे 6 चेंडू आणि अजूनही गरज आहे वडवली बी संघाला विजयासाठी 18 धावांची. गावदेवी क्रिकेट संघ कुप्रोली गावाचा गावदेवी क्रिकेट संघ कुप्रोली गावाचा रोशन पाटील स्पॉन्सर हाय या कोप्रोली संघाचा. रोशन पाटील स्पॉन्सर हाय या कोप्रोली संघाचा. गावदेवी कोपरोली संघ नुकताच पेंधर येथे उपविजेतेपद पटकावलं. मोठ्या प्रदीर्घ काळानंतर 1.5 ते 2 वर्ष त्यांना वाट पाहावी लागली होती एखाद्या बक्षिसाची. परंतु तो संघर्ष त्यांनी केला आणि एखादं यश असतं ते मोठ्या एखाद्या अपयशानंतरच येत असतं आणि अखेरीस मात्र तो दुष्काळ संपवला. पेंधरची स्पर्धा जिंकली. खूप चांगला संघ आहे परंतु इथून मात्र नक्कीच चांगली कामगिरी करताना आपल्याला गावदेवी कोपरोली संघ पाहायला मिळेल. खूप चांगलं रोहित पाटीलची कामगिरी मंगेश फडके असतील अविनाश सोमवंशी असतील आणि नितीन पाटीलचं सुद्धा मी खास करून कौतुक करेन. 6-18 समीकरण कव्हर्स मधून काढलाय बॉलला. 2 क्षेत्ररक्षक धावतात सीमारेषे लगत. यावेळेस मात्र चेंडू पार करतोय सीमारेषा. पहिल्याच बॉलवर आलेला चौकार. आता इथून मात्र येणारे 5 चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता.
थँक्यू. दोनही फलंदाजांनी सातव्या आठव्या क्रमांकाचे फलंदाज आहेत, परंतु लढतात पहा कसे. मागच्या बॉलवर मात्र चौकार मारला होता आणि याही बॉलवर सामन्याला सुरुवात झाली. यांनी दोनही आकाश असेल रुपेश असेल दोघांनी चौकारनी खातं उघडलंय, हे खास करून वैशिष्ट्य आहे. मॅचचा रिझल्ट काहीही लागू द्या, शेवटपर्यंत लढायचं आणि हीच संघर्षाची वृत्ती नेहमी आम्ही पाहिले वडवली बी संघाकडून. अजूनही 5 चेंडू 14 धावा, सामन्यामध्ये काहीही घडू शकतो. दुष्यंत भोईर सज्ज होतोय गोलंदाजीसाठी. यावेळेचा हा बॉल पंच इशारा करतात व्हाईट बॉलचा. आउटसाइड ऑफ स्टंप बराचसा बाहेरून जाणारा बॉल, एक अतिरिक्त रन एक्स्ट्राज मध्ये बढवतरी, एक धाव कमी होणार आहे. आता मात्र जिंकण्यासाठी हव्यात येणारे 5 चेंडू आणि 13 धावा. 13 धावांची आवश्यकता या मॅच मध्ये असेल. एक स्ट्रोक, एक चांगला स्ट्रोक मात्र पाहायला गेलं तर या मॅच मध्ये पुनरागमन करू शकतो वडवली बी संघाचं. 7व्या आणि 8व्या क्रमांकाच्या दजांना आज हिरो होण्याची चान्स आहे. आज या जोडीकडून मात्र वडवली बी संघाला विजय मिळणार का याची चर्चा आता मात्र व्हायला लागली. राईट समोर विकेट ना दुष्यंतचा हा बॉल, यावेळेस मात्र आउटसाइड ऑफ स्टंप होता आणि तदनंतर टप्पा पडल्यानंतर मात्र आतमध्ये येणारा बॉल. निर्धाव चेंडूची सांगता, निर्धाव चेंडूची सांगता. इथून मात्र येणारे 4 चेंडू आणि 13 धावा. दुष्यंत भोईर कमालीचे व्हेरिएशन्स आहेत या गोलंदाजाकडे. बऱ्याच वेळेला या गोलंदाजाला आम्ही पाहिलंय याची गोलंदाजी. पहिलं षटक सुद्धा एकेकाळी हाताळायचा हा गोलंदाज, परंतु नागेश खंडागळेने आज जी गोलंदाजी केले त्या गोलंदाजीनं आतापर्यंत उसरली खुर्द संघ मजबूत स्थितीमध्ये पाहायला मिळतोय. फिरून खेळण्याचा प्रयत्न इथे कम्प्लिटली मिस झालाय. या 2 निर्धाव चेंडूने आता मात्र टेन्शन वाढलंय वडवली बी संघाचं, कारण गरज आहे जिंकण्यासाठी 3 चेंडू आणि 13 धावा. 3-13 असं समीकरण. रुपेश पाटील काय करतोय, काहीही झालं तरी या बॉलवर धावा येणं फार गरजेचं आहे. 3 चेंडू आणि 13 धावा. इथे मात्र खूप चांगला स्ट्रोक, लोवर फुल टॉस होता, दिला भिरकावून डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या वरतून. 2 निर्धाव चेंडू नंतर रुपेश पाटीलच्या बॅट मधून निघतोय हा घणाघाती प्रहार. षटकारानं पुन्हा एकदा वडवली बी संघ या मॅच मध्ये पुनरागमन करतोय. 2 चेंडू आणि आता मात्र जिंकण्यासाठी 7 कंपल्सरी धावांची गरज आहे. त्यामुळं काहीही झालं तरी या बॉलवर एक धाव येणं गरजेचं आहे. सकाळी असाच सामना पाहायला मिळाला होता जो विहिगर संघानं गमावला होता. 2 चेंडू आणि 7 धावांची गरज असताना बॅट्समन धावले नव्हते आणि त्यानंतर मात्र 1 बॉलवर 7 धावा आल्या होत्या. त्यामुळे इथून मात्र हा निर्णायक क्षण आहे. 2 चेंडू आणि 7 धावा, सामना कमालीचा चुरशीचा, टेन्शन वाढवतोय. कोणता संघ या मैदानावर जल्लोष करणार याची उत्कंठा आता मात्र प्रत्येक प्रेक्षक वर्गाला लागलाय. वडवली बी संघ दूरवरून या ठिकाणी आलाय. या 2 बॉलमध्ये 7व्या आणि 8व्या क्रमांकाचे फलंदाज या 7 धावा काढणार का याकडे संपूर्ण क्रीडा वर्गाचं लक्ष लागलंय. सायप्रीत लाईव्हच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक ऑनलाईन या सामन्याचा आनंद घेतात त्या सगळ्या प्रेक्षकांचं मी दीपक पाटील मनापासून स्वागत करतोय. खूप प्रेम करताय आपण या स्पर्धेवर, हे प्रेम मात्र असंच राहू द्या. 2 चेंडू आणि 7 धावा, टेन्शन दोनही बाजूनी आहे, परंतु जो षटकार रुपेश पाटीलच्या बॅटमधून एवढ्या वेगानं निघालाय त्यामुळं त्याच्यामधले असलेले सुप्त गुण बाहेर आलेत, त्याच्यामधली असलेली क्षमता आता मात्र बाहेर आली आहे, त्याच्यामध्ये असलेलं कला कौशल्य आता मात्र त्यानं सादर केलं आहे. त्यामुळं तोही एखादा मोठा स्ट्रोक मारू शकतो याची जाणीव हेमंत भगतला झाले. त्यामुळे 2 बॉलवर 7 धावा होऊ शकतात हे उसरली संघाच्या कर्णधाराला कळून चुकलंय. त्यामुळेच तो समजवण्यासाठी दुष्यंत भोईरला पुढे सरसावलाय. 2 चेंडू 7 धावा, इथे मात्र निर्धाव चेंडूची गरज आहे, परंतु वडवली बी संघाला मात्र काहीही झालं तरी या बॉलवर धाव येणं फार गरजेचं आहे. कारण जर शेवटच्या चेंडूवर मॅच न्यायची असेल तर रुपेश पाटील आणि आकाश पाटील यांनी पूर्णपणे मी म्हणेन ज्या पद्धतीनं टक्कर दिले, संपूर्णपणे टॉप ऑर्डर आज निराश पूर्ण केलं होतं टॉप ऑर्डरनं. टॉप ऑर्डर ढेपाळल्यानंतर मात्र ढासळल्यानंतर ज्या पद्धतीनं मधल्या फळीतील फलंदाज लढले, कल्पेश पाटीलची एक संयमी इनिंग पाहायला मिळाली, त्यानंतर शुभम पाटीलचा आक्रमकपणा पाहायला मिळाला आणि काय क्रिकेट खेळतात ते आकाश आणि रुपेश दोघांनी मात्र विजयाच्या समीप आणून ठेवलंय, अगदी विजयाच्या उंबरट्यावर. परंतु ही विजयी पताका आज कोण नाचवणार,
कोण मिरवणार या मैदानावर याची सगळ्यांना उत्सुकता लागले. येणारे दोन चेंडू आणि आता मात्र सात धावांची गरज आहे. हे शेवटचा चेंडू जो असेल, जो सेकंड लास्ट चेंडू जो आहे, हा निर्णय सांगणार आहे या मॅचचा. दुष्यंत भोईर सज्ज होतोय. दुष्यंतचा हा बॉल इथे कट करण्याचा प्रयत्न केलाय. पहिली धाव वेगानं, दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न केला जातोय. स्ट्राईक आपल्याकडे ठेवलंय. हा चाणाक्षपणा जरूर दाखवला तो रुपेश पाटीलला. सिंगल आले आणि या सिंगलला आता मात्र काय होणार, एक चेंडू आणि सहा धावा. शेवटचा बॉल आणि विजयासाठी सहा धावा. प्रेक्षकांना हवा हवासा वाटणारा सामना. आता मात्र थोड्याशा पैजा प्रेक्षक आपसात लावत असतील. कोणता संघ जिंकणार? रुपेश पाटील इथे षटकार ठोकणार काही जण म्हणतात, तर काही जण म्हणत असेल दुष्यंत भोईर असं काही करू देणार नाहीये. सहा पेक्षा कमी धावा फक्त उसरलीला द्यायच्यात, परंतु ही काटे की टक्कर, एक जंगी भिडंत मात्र आपल्याला पाहायला मिळते. आणि हे निमित्त आहे आमदार चषक 2021 रोशनजी पाटील यांच्या स्पर्धेमध्ये एक तगडा मुकाबला आपल्याला पाहायला मिळतोय. एका बाजूला चेंज द गेम वडवली बी संघ, हा सामना चेंज करून टाकणार का की उसरली खुर्द? पनवेल तालुक्यामधील आम्ही सुद्धा बलवान संघ आहोत. हे अस्तित्व आज मात्र या मैदानावर मिरवणार, याकडे मात्र सगळ्या क्रीडा वर्गाचं लक्ष लागलंय. एक चेंडू सहा धावांची गरज आहे. काहीही झालं तरी षटकार मारावा लागणार तो रुपेश पाटीलला. एक षटकार त्याच्या बॅटमधून जरूर आलाय, एक चौकारानं त्यानं आपल्या फलंदाजीतली क्षमता जरूर दाखवलंय, परंतु आता मात्र हा विजयी षटकार खेचणार का याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. दुष्यंत भोईर आता कोणतं अस्त्र बाहेर काढणार, कोणता असा चेंडू टाकणार का ज्या चेंडूवर मात्र सहा पेक्षा कमी धावा देणार? काय मॅच सुरू आहे मैदानावर. अफलातून कामगिरी करत असताना सगळ्यांचं लक्ष मात्र वेधलंय या मॅच मध्ये. एक चेंडू जिंकण्यासाठी सहा. फलंदाजांवर टेन्शन वाढवण्याची ही व्यूहनीती, नवे नवे तर कूटनीतीच आपण म्हणूया. आजकाल सर्रासपणे असे प्रयोग केले जातात. अगदी शॉर्ट्स लिमिट ऑन, शॉर्ट्स लिमिट ऑफ आणलं जातं, जेणेकरून फलंदाजाचं लक्ष विचलित होईल. आणि हे विचलित करण्यासाठी इट्स अ पार्ट ऑफ गेम. बऱ्याचशा आपण मॅचेसमध्ये हे पाहतोय, परंतु स्पीडअप करा उसरली खुर्द. आमच्याकडे वेळ फार कमी आहे. क्षेत्रक्षणामध्ये वारंवार बदल केला जातोय. जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये स्वागत करूया आपण चेंडूचं. एक चेंडू सहा धावांची गरज आहे. ओहो, परंतु सहा धावा मात्र येत नाहीयेत. आणि उसरली खुर्द या संघानं मात्र ही लढत जिंकले. वेल प्लेड, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. दुष्यंत भोईरनं मात्र हा सामना जिंकून दिला आपल्या टीमसाठी, परंतु वडवली बी संघानं मात्र खूप छान खेळ सादर केला, खास करून शेवटपर्यंत लढले. मग सामन्याच्या निकालाची मात्र पर्वा केली नाहीये. आणि शेवटपर्यंत